तुम्हारा देख ही नहीं चल सकती, अभी तो एक्सीडेंट हो जाता। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं कब कार आ गई। थैंक यू सो मच तुम्हारा। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ जरूर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एलिना खातून है। एंड तुम्हारा? मेरा नाम शोभा सिंह। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। माफ मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए मेरे, बात ये सुन ले वो खुदा के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए। अरे तुम यहाँ कब आई? मैं इधर से गुजर रही थी, तुम्हें नमाज पढ़ते हुए देखा तो रुक गई। ओ वैसे तुम नमाज पढ़ते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। शुक्रिया। तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो? दोस्त? पर मैं तो मुसलमान हूँ ना। तो क्या हुआ, दोस्ती में कोई कास देखा जाता है क्या? ठीक है तब। तो चलो ना, मैं तुम्हें अपनी और दोस्तों से मिलवाती हूँ। पर वो लोग? अरे टेंशन मत लो, वो लोग भी बहुत अच्छे, तुम्हें देख के वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है चले अब। चलो। ये एलिना है, मेरी न्यू फ्रेंड, और मैं यहाँ तुमसे भी फ्रेंडशिप करवाने लाई हूँ उसे। क्या तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं ये मुसलमान है? ये और हमारी दोस्त, ये कभी हो नहीं सकता। तू रह इसके साथ, चल। देखा मैंने कहा था ना, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। वो लोग तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहते तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, हम हमेशा दोस्त बन के रहेंगे। कहीं तूने इसमें काला जादू तो नहीं कर दिया जो हमेशा तेरे पीछे पीछे घूमती है? वही तो, तुझे समझ क्यों नहीं आता कि ये लोग सही नहीं होते? तुम लोग इंसान तो हो पर तुम पे इंसानियत बिल्कुल नहीं है। ये मुस्लिम है तो क्या हुआ, ये भी हमारी तरह इंसान ही है। क्यों इसके जात की वजह से हमेशा नफरत की आंखों से देखते हो इसे तुम? अगर दोबारा कभी ऐसा किया ना तो मुझसे दोस्ती मत रखना। चलो एलिना, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस लड़की की वजह से आज शोभा ने हमें कितना कुछ सुना दिया। इस लड़की को शोभा से अलग करना ही पड़ेगा। मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए मेरे, बात ये सुन ले वो खुदा। तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजी है, तुम्हें उसे खत्म करना है। के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ। हेलो राखी, तू जल्दी हॉस्पिटल आ जा, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। मेरे लिए के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज इस रात की। कहाँ है मेरी बहन, वो ठीक तो है ना? तू चिंता मत कर, वो ठीक है, वो अभी अंदर है, डॉक्टर ने मेडिसिन दे रहे हैं। वो काफिर तो नहीं यार, मैं काफिर तो नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे उसने ही तो। अरे चुप हो जाओ, पेशेंट अभी ठीक है, और थोड़ी देर लेट हो जाती हॉस्पिटल आने में तो उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह चुका था, और सेटे में ब्लड डोनर ना होता तो पेशेंट की जान भी जा सकती थी। थैंक यू सो मच सुबह, मेरी बहन को सही टाइम पे ब्लड देने के लिए। थैंक यू मुझे नहीं, एलिना को बोलो, अगर वो सही टाइम पे तुम्हारी बहन को हॉस्पिटल नहीं लाती ना और ब्लड नहीं देती ना तो आज तुम्हारी बहन हमारे बीच नहीं रहती। अल्लाह इसे तो बहुत चोट लगी है। हेलो हेलो एम्बुलेंस जल्दी आइए। मुझे माफ कर दो एलिना, मैंने ही तुम्हें मारने के लिए गाड़ी भेजा था और मुझ पे भारी पड़ गया। तुझे मैंने जो काम दिया था हुआ? सॉरी मैम, मैं गलती से किसी और को मार दिया। तेरे से कोई ढंग का काम नहीं होता, चल छोड़ मरने दे जो भी है। क्या हुआ? आज मेरी वजह से मेरी बहन की जान जा सकती थी, शुक्र है तुम्हारा। क्या तूने गाड़ी भेजा था, पर क्यों? मैंने इससे ज्यादा ही गलत सोच लिया था, दूसरी जात की वजह से मैंने ये सब गुस्से की आग में किया। आज मुझे पता चला कि जातवत कुछ नहीं होता, इंसानियत अच्छी होनी चाहिए।
आज तुझे समझ आ गया ना, जब तेरी बहन को खून की जरूरत थी तब इसने खून दिया, तभी वो आज जिंदा है। खून में ये कहीं नहीं लिखा था कि ये हिंदू है या मुसलमान। हाँ सही कहा तूने, आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे माफ कर दो एलिना। बात ये सुन ले वो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? और रही बात दोस्ती की, मैं तुम्हें पहले से दोस्त मानती हूँ और हम सब दोस्त बन के ही रहेंगे। हाँ जरूर।